तुमसे क्या कहें जाना बाय अना इलियास निकाह स्पेशल एपिसोड 2। कैसी हो? बहुत दिन बाद आज उसने अबिया को फ़ोन किया था। किरत और रुबाब की शादी के बाद से उनमें से किसी के कांटेक्ट में नहीं थी, शायद थकावट उतार रही थी। जबीन भी आजकल एकेडमी के पेपर्स से फारिग थी। घर आते ही उसने अबिया का नंबर मिलाया। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, पेपर्स खत्म हो गए? वो भी थोड़ी देर पहले ही पॉलर से आई थी। दो दिन पहले मिनसा को रुखसाना ने मुस्बत जवाब दे दिया था। वो लोग शायद आजकल में आकर शादी की डेट फिक्स करना चाहते थे। मिनसा के शौहर की फॉरेन में पोस्टिंग हो गई थी, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि मिनसा के जाने से पहले पहले उसके भाई की शादी हो जाए। रुखसाना और ज़फ़र को भी कोई एतराज़ ना था। जहेज तो देना नहीं था, कुछ पैसे उन्होंने अबिया के अकाउंट में डिपॉज़िट करवाने का सोच रखा था। जहेज़ के नाम पर चंद एक सूट बनाने थे, वो चंद दिनों में हो सकते थे। कल मिलो कहीं, सच में बहुत उदास हो रही हूँ। जबीन के अंदाज़ पर वो होले से मुस्कुराई। अभी तक उसने उन दोनों को कुछ नहीं बताया था। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि कहीं मिलें, कुछ अहम बातें करनी हैं, उसने सादे से लहजे में कहा। न जाने क्यों शादी की कोई ख़ास खुशी नहीं थी, बस वो मुतमईन थी ये देख कर कि उसके माँ बाप मुतमईन थे, और शायद हर अच्छी बेटी ऐसे ही मुतमईन होती है। अहम बातें? कोई ख़ास बात है? जबीन उसके अंदाज पर ठिठकी। ख़ास है भी और नहीं भी, उसके जवाब पर जबीन तजब्सुब का शिकार हुई। चलो ठीक है, फिर कल 4 बजे फ्राई चिक्स आ जाना। जबीन ने फौरन वक्त और जगह का भी तायुन कर लिया। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी, मिल के बताऊँगी। उसकी बात पर जबीन और भी मुतजस्सिस हुई। ओके, मगर उसने कुरेद नामुनासिब नहीं समझा। अगर उसने बताना होता तो वो फ़ोन पर भी बता सकती थी। सर झटक कर इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू की गर्ज से वो वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। तुम एक नज़र उसकी तस्वीर देख तो लेते, मिनसा आइदून से मुखातिब हुई। आज बहुत दिनों बाद वो उनकी जानिब आई थी। आते ही घर पर मौजूद आइदून को आड़े हाथों लिया। वो कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया था। फ्रेश होकर वो उन्हीं के पास लाउंज में आ गया। मरियम भी वहीं मौजूद थी। उसके लिए चाय निकालते वो मुस्कुराकर दोनों बहन भाई को देख रही थी। यार, आप लोगों ने देख ली, पसंद कर ली, काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि महरम बनाने से पहले मैं उसे देखूं। किसी की बेटी है वो, इंसान हूँ, गलती से कोई नुक्स निकाल लिया या ये जहन में रखते हैं कि अभी कौन सा शादी हुई है तो ये गलत बात होगी। बस अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मैं शादी के बाद ही देखूंगा। मुझे हरगिज़ कोई तजस्सुस नहीं है। चाय का कप पकड़ते उसने बड़े स्वभाव से उसे मना किया। माशाल्लाह, अल्लाह हर लड़के को ऐसी सोच दे। मरियम ने फ़खर से अपने बेटे को देखा। उसके अम्मी अब्बा जहेज़ पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं। मरियम ने एक नज़र आइदून को देखा, जिसके चेहरे पर उनकी बात से नागवारी झलकी। जब मना कर दिया है तो फिर ज़ोर देने की क्या बात है? समझ नहीं आती आखिर दुनिया का लोगों को इतना डर क्यों है। शादी के हंगामों के बाद सब लोग भूल भी जाते हैं कि किसने किसको क्या दिया, लेकिन इन्हीं लोगों के गम में हम अपने आप को फिक्रों में मुब्तला कर लेते हैं। वह सर झटक कर चाय के सिप लेते हुए बोला, कल वो लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने एक और नई इत्तला दी। चलें, कल मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो क्यों इस बात की इतनी टेंशन ले रहे हैं। कप खाली करके सामने टेबल पर रखते प्लेट में से दो चीज़ बॉल उठाए। मैं तो सोच रही थी कि तुम अबिया के साथ शादी की शॉपिंग कर लेते। मिनसा की बात पर उसने कदरे अफसोस से बहन को देखा। क्या ज़रूरी है कि हम इस किस्म की ऊट पटांग ट्रेंड्स को फॉलो करें? क्या इससे पहले जो लोग अलग अलग अपनी शादी की शॉपिंग करते थे वो नाखुश रहते थे? उसकी जराह पर मिनसा सर पकड़ के बैठ गई। मम्मी, आपने ये सब बातें इसको कब सिखाई? वो माँ की जानिब को झुंझुला के देखते हुए बोली। मैंने इसे ऐसी बातें कभी नहीं सिखाई। अच्छी बात है ना कि फजूल के कामों में पड़ने की बजाय सुकून से हम अपनी शॉपिंग करें, उन्हें अपनी करने दें। मरियम ने बेटे का साथ दिया। आप कुछ रकम कल उन्हें दे दीजिएगा ताकि बारात और वलीमे के ड्रेस वो खुद ले लें। वो भी कुछ शॉपिंग करनी हो तो वो खुद अपनी पसंद से कर लें। उसने मोबाइल से नज़र हटा कर मरियम को देखते हुए कहा। वो कौन शॉपिंग कर ले? मिनसा ने शरारत से उसे देखते कहा। आपकी भाभी, वो भी बगैर घबराए होले से मुस्कुराते उसे जवाब देकर फ़ोन पर किसी क्लाइंट की कॉल आते देख कर वहाँ से उठ कर चला गया। अब बताओ क्या चल रहा है? अगले दिन वो दोनों रेस्टोरेंट में एक दूसरे के सामने मौजूद थीं। मेरी शादी तय हो गई है,
अबिया ने इतला नहीं दी थी धमाका किया था क्या? जबीन कदरे ऊंचा चीखी। आसपास के लोग भी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। पागल हो गई हो, इतना चीखने की क्या बात है? अबिया ने इर्द गिर्द देख कर आहिस्ता आवाज में उसे गिरका, यार तो कितनी छुपे रुस्तम निकली, चुप करके सारा काम हो गया और हमें अब इतला दी जा रही है, वाह। जबीन की हैरत कदरे कम हुई तो गुस्सा और गढ़ आया। मुझे समझ नहीं आ रही कि खुश हूँ या तुम्हारी पिटाई लगाऊँ। वो जितनी एक्साइटेड थी, अबिया के तासुरात कदरे मुख्तलिफ थे। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? उसे खामोश सा देख कर वह पूछने लगी। समझ नहीं आ रहा, खुश कहूँ या मुतमईन, बस जो हो रहा है ऐसा लग रहा है ठीक है, बस अपने ख्वाब टूटने का खौफ है। नज़रें सामने टेबल पर धरे हाथों पर टिकाते कहा, क्या बात है, खुल के बताओ। जबीन उसके अंदाज पर कदरे संभल कर बैठी। बस तुम्हें बताया तो था कि मेरा ख्वाब था अपना पॉलर बनाने का, अम्मी ने उन्हें बताया तो है और हर अच्छे ससुरालियों की तरह उन्होंने भी फ़िलहाल तो वादा कर लिया है कि वो मेरे काम में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। उसके बाद पर जबीन ने उसके हाथ पे हाथ रखते गोया उसे तसल्ली दी, अच्छा गुमान रखो तो सब अच्छा होगा। उसके बाद पर वह होले से मुस्कुराई, कैसे हैं हमारे भाई? अब की बार वह उसका मूड ठीक करने के लिए उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोली, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, नाम से भी वाकिफ नहीं। उसकी बात पर जबीन की हैरत से आंखें खुल गईं। क्या कह रही हो? वो हैरान सी थी उसकी बात सुन के। आजकल के दौर में भी ऐसे अजूबे थे? हाँ तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, जब शादी मुकद्दर में है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि शक्ल और सूरत कैसी भी हो। उसने भी उसकी हैरत के जवाब में साफ गोई से कहा, लेकिन अबिया यार इतनी क्या बेजारी? वो अब तक उसके रवैये को समझ नहीं पा रही थी। क्या पॉइंट वाला? उसके अधूरे जुमले का मतलब समझते उसने नज़रें लम्हा भर को उसके चेहरे पर टिकाईं। क्या कुछ ना था उनमें दुख तकलीफ जैसे वो लम्हा अभी अभी उसके साथ गुजरा हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब उसे याद भी करना नहीं चाहती। माथे पर कितने ही बल लिए वो बोली, तो फिर ये भी तो सोचो वो लोग कितनी मोहब्बत से तुम्हें ब्याह रहे हैं। उसकी बात पर वो होले से मुस्कुराई, किरत सही कहती है तुम्हें, तुम में अम्माओं की सी रूह है। बिल्कुल यही बात अम्मी ने भी कही है, बस इसीलिए खुद को किस्मत के धारे पे छोड़ दिया है, जो भी है जैसा भी है मुझे अभी से कबूल है। उसके हाथ पे हाथ रखते वो तसल्ली अमेज लहजे में बोली, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? वो अब की बार बातों का रुख उसकी जानिब मोड़ गई, मेरा कुछ नहीं है, एक जैसे शब रोज़ हैं, न जाने क्यों उसे जबीन का लहजा ठिठका गया। इधर देखो। उसकी बात पर जबीन ने कदर हैरान होकर उसकी नज़रों की जानिब देखा। जबीन, आर यू इन लव? वो हैरत से उसे देख रही थी, वो इतनी बड़ी बात उससे छुपा रही थी, पागल हो? उससे कहीं ज़्यादा वो खुद को जुटला रही थी, मगर आँखों की यासियत उससे छुपी नहीं रह सकी। मैं नहीं, तुम पागल हो, कौन है, क्या तुम भी एकतरफा? उसके आधे अधूरे सवालों में जैसे सभी जवाब छुपे थे। जानती हूँ गलत कर बैठी हूँ, मगर मुझे अफसोस नहीं, आखिर उसे अबिया के सामने मानना ही पड़ा। कौन है, बताना चाहोगी? दोस्ती में भी कभी कभी तकल्लुफ आड़े आता है, जब इरादा दोस्त को तकलीफ़ और शर्मिंदगी से बचाना हो। मेरी अकेडमी के सर। उसकी बात पर वो उस सर फ्री को देख के रह गई, जो पोलियो अफेक्टेड हैं। उसकी बात पर जबीन ने किसी कदर नागवारी से उसे देखा, तुम जानती हो मुझे ज़ाहरी शख्सियत से कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कदरे संजीदा लहजे में कहा। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी। वो जान गई थी उसे कुछ भी समझाना इबिस है। उसे पता है? उसके सवाल पर जबीन ने नफ़ी में सर हिलाया, कुछ और बात करो। उसके बाद अबिया ने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। कुछ लोग होते हैं जो एक हद तक अपने ज़ाती मामलात में अपने दोस्तों को आने की इजाज़त देते हैं। उन तीनों की दोस्ती इसीलिए इतनी पायदार थी कि जो हद बंदियाँ वो दूसरे पर लगाती थीं, बाकी दो उसे पार करने की कोशिश नहीं करती थीं। जिस लम्हे वो दोनों वहाँ से निकली, मिनसा और जूफशियाँ उसी लम्हे ग्लास डोर धकेल के अंदर दाखिल हुईं। उनके हाथों में ढेरों थैले थे, यकीनन शादी की शॉपिंग में मसरूफ़ थीं। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़, वो तो उसे देखते ही निहाल हो गईं। कैसी हैं आप, इनसे मिलें, ये मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है जबीन। उसने उनसे मिलते ही एक जानिब हैरान परेशान सी खड़ी जबीन का तारुफ करवाया, और ये मिनसा और जूफशियाँ, उसने उन दोनों का भी तारुफ करवाया। मेरी होने वाली नंदे, ये भी तो बताओ ना, मिनसा ने शोखी से कहा। एक खुशगवार सा रंग उसके चेहरे पर ठहरा।
इसने आपको कुछ बताया है या नहीं अभी इस बारे में? मिनसा ने मुस्कुराते हुए ज़बीन से पूछा। जी जी अबिया बता चुकी है, मुबारक हो आप लोगों को भी, ज़बीन फौरन मुस्कुरा के बोली। इसके वो भी आए हैं, आता ही होगा अंदर। मिनसा की बात पर अबिया के 14 तबक रोशन हुए। हमें इजाज़त दें, हम बस निकल ही रहे थे, कुछ ज़रूरी काम है। वो तेज़ी से ज़बीन का हाथ थाम कर वहाँ से आंधी तूफ़ान की तरह ऐसे निकली कि किसी को सोचने का मौका भी ना दिया। क्या हो गया है तुम्हें, होल्ड ऑन तो करो। ज़बीन उसके साथ खींचती चली जा रही थी। जब उस शख्स को मुझे देखने का कोई शौक़ नहीं तो मुझे भी उसे देखने का अभी कोई शौक़ नहीं। रुखसाना के तवस्सुत से उसे पता चल गया था कि उसने मिनसा को भेजी जाने वाली उसकी तस्वीर नहीं देखी थी। वो दोनों अपनी ही धुन में तेज़ तेज़ वहाँ से निकल रही थी कि सामने से मोबाइल हाथ में थामे किसी को टेक्स्ट करते बंदे के साथ अबिया बुरी तरह टकराई। उसके हाथ में थामे शॉपिंग बैग्स नीचे गिरे। भुना कर उसने सामने देखा, जबकि सामने के दोनों वजूद उसे देखकर साकित हो गए। सॉरी, अबिया ने फौरन आंखों में अजनबी तासुर लाते ज़बीन को भी वहाँ से खींचा। आइदून को चंद लम्हे लगे संभलने के लिए। हाँ, वो भी इसी शहर में रहती है, कभी भी कहीं भी टकरा सकती है। सर झटक कर शॉपिंग बैग्स उठाए। प्लीज़ बेटा, उनके सामने ज़्यादा मत बोलना। वो जो फ़कत कमरे में कपड़े चेंज करने की गर्ज से आई थी, नाज़ली भी उसके पीछे दरवाज़ा वाह करके आ गई। उनके लहजे में हुक्म से कई ज़्यादा इल्तिजा थी। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ? उनके कंधों पर मोहब्बत से हाथ रखते कहती वो उन्हें बेहद प्यारी लगी। वो उसे क्या बताती कि वो उन्हें कितनी अजीज़ थी। बड़ी औलाद तो वैसे भी माँ बाप के दिल के बेहद करीब होती है, और वो तो थी भी इस कदर एहसास करने वाली। ज़्यादा नहीं बोलती, मगर कभी कभी बहुत गलत जगह बोलती हो। वो मोहब्बत से उसे देखते बोली। गलत? वो सही जगह होती है, इसीलिए सबको बात बुरी लगती है। अमूमन हमारे यहाँ सच बुरा और झूठ सबको पसंद है, जबकि मुझे झूठ गलत लगता है और सच बोल जाती हूँ तो सबको बुरा लगता है। उसकी बात पर वो एक बार फिर से माथा पीट गई। तुम्हें कभी मेरी बात समझ नहीं आ सकती। वो भुना कर उसके हाथ अपने कंधों से हटाते उसे खश्म की नज़रों से देखते बोली। अफसोस कि मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। उनके जाने के बाद वो गहरा सांस भरते बोली। अकेडमी से वो पहले ही छुट्टी ले चुकी थी। शाम में मगरिब के बाद वो लोग आए, सभी ऐसे अलर्ट थे जैसे कोई वज़ीर आज़म आया हो। उसने चाय लेकर जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए चाय सर्व करने के बाद उसे बुलाया गया। ब्राउन और ब्लैक कलर के प्रिंटेड खद्दर के सादा से सूट पर ब्लैक शॉल लिए, बालों को हमेशा की तरह जूड़े की शक्ल में लपेटे, हकीकत में धुले मुँह के साथ वो ड्राॅइंग रूम में दाखिल हुई, जहाँ सभी चाय और उसके लवाजमात के साथ तब आजमाई में मसरूफ़ थे। उसने अंदर आते ही सभी को बुलंद आवाज़ में सलाम किया। सफ़िया उसे अंदर आते देखकर ही अपनी जगह से खड़ी हुई। आओ बेटा। उनके बुलाने पर वो उन्हीं की तरफ बढ़ी। वो आगे होकर उससे गले मिली। नईमा भी उठकर उसे जांचती नज़रों से देखती गले मिली। उनके बाईं जानिब शुमाइल खड़ा था, बज़ाहिर हैंडसम सा लड़का था। 6 फुट से ऊंचा कद, कसरती जिस्म, खुश शक्ल वाला शुमाइल किसी का भी आइडियल हो सकता था। दोनों ने महसर हिलाकर एक दूसरे को सलाम किया। ज़बीन की नज़रें इंतहाई सरसरी थीं, जबकि दूसरी जानिब उसका भरपूर जायज़ा लिया गया था। बैठें प्लीज़, उसने एक हाथ से उन्हें बैठने का कहा और ख़ुद नासली के करीब सोफ़े पर बैठ गई। पढ़ाई ख़त्म हो गई बेटे आपकी? सफ़िया ने ही बात का आगाज़ किया। जी आंटी, बस अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। उसने भी उन्हीं के अंदाज़ में खैर मुकदमी मुस्कुराहट सजाकर उन्हें जवाब दिया। अकेडमी में क्यों पढ़ाती हैं आप? माशाल्लाह, पैसे की कोई कमी तो नहीं है आपको? नईमा के सवाल पर सफ़िया के चेहरे पर एक नागवार सा तासुर उभरा। उनके अंदाज से ही ज़बीन को समझ आ गई थी कि दोनों बहनें एक दूसरे का उल्ट हैं। सफ़िया एक हलीम तबीयत की खातून लगती थी, मगर नईमा उसे बिल्कुल वैसी ही लगी जैसी अपर क्लास की सभी खवातीन उसके घर में पाई जाती हैं। जी, मगर ये पैसा मेरा नहीं है, और अपने बड़ों के पैसों पर पलना मुझे पसंद नहीं। उनकी कमाई इसीलिए नहीं कि हम उड़ाएं, जब तक हम खुद नहीं कमाते पैसे की कदर नहीं होती। उसने एक संजीदा नज़र उन पर डालते बड़े स्वभाव से अपना नुक्ता नज़र बताया। तो शादी के बाद क्या आप अपने शौहर के पैसे के बारे में भी यही ख्यालात रखेंगी? उनकी बात पर पहले तो उनके चेहरे का रंग बदला, फिर चुपते लहजे में
उसकी बात पर पहले तो उनके चेहरे का रंग बदला, फिर चुपते लहजे में सवाल किया, जी बिल्कुल, एक कमाए सारा घर खाए वाली बात मुझे पसंद नहीं। एक कमाता है तो उस पर बोझ होता है और वो उस बोझ को कम करने के लिए गलत रास्ते का भी चुनाव करता है। इसी वजह से हराम और हलाल की कमाई का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है। जब शौहर को मालूम हो कि बीवी उसके साथ बराबर काम करती है तो ना सिर्फ दोनों एक दूसरे की कदर करते हैं बल्कि बोझ भी कम हो जाता है। वैसे जिस तबके से आपका और हमारा ताल्लुक़ है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको लड़की का जॉब करना मायूब लगना चाहिए। उसकी बात पर वहाँ मौजूद सभी लोगों ने पहलू बदला। बस बच्ची है ना, आजकल के बच्चे और तरह सोचते हैं, हमारी सोच और थी। मोना फुप्पो ने फौरन बात बनाई, बच्ची तो नहीं, अब शादी के काबिल है और शादी के काबिल बच्चियाँ नहीं होती। नईमा को यकीनन उसका यूँ बोलना बहुत नागवार गुजरा था। मैं आपके ख्यालात से इत्तफाक करता हूँ। कब से खामोश शुमाइल तो उसका एतमाद देखकर हैरान रह गया। उसके बोलने पर एक तेज़ नज़र नईमा ने उस पर डाली, लेकिन आपकी वालदा इत्तफाक करती हुई नज़र नहीं आ रही। शुमाइल को एक नज़र देखकर वह साफ गोई से बोली, इससे ज़्यादा लिहाज वो नहीं कर सकती थी। ज़बीन फराज साहब ब्रैकेट ताया ने उसे टोका, आप अब कमरे में जाएं। उनकी तंबीह पर वह मज़ीद कुछ और कहते रुक कर उन सबको एक नज़र देख कर वहाँ से चली गई। मेरा ख्याल है हमें भी चलना चाहिए। नईमा को ज़बीन बेहद तेज़ तरार लगी। अरे बैठिए ना, नाजली ने घबरा के कहा। बस अब चलें, चलो बेटा। अपनी जगह से उठती वो शुमाइल को हुक्म देती सफ़िया के साथ वहाँ से निकलती चली गईं। आज घर में रुबाब और फराज की शादी के बाद पहली दावत थी। उनके साथ साथ अनीला ने फहाम को भी इनवाइट कर लिया था। रुबाब की शादी के बाद वो बहुत अकेला हो गया था, मगर रुबाब ने भी उसकी तन्हाई का हल ढूंढ निकाला था। आज अनीला की जानिब आना भी उसी मकसद की एक कड़ी थी। जल्दी भी कर लो अब, वो एक बार फिर किचन में आईं। क्या हो गया है अम्मी, अब अगर आप किचन में आईं तो मैं सब छोड़ छाड़ निकल जाऊंगी। सच में किसी सास से कम नहीं आप, कर रही हूँ ना सब। अब 10 हाथ तो हैं नहीं, वैसे भी सब रेडी है, सिर्फ मीठे को फाइनल टच दे रही हूँ, वो शदीद झुंझुला के बोली। समिया भी अपने शौहर के साथ आने वाली थी। बेटा वो पहली बार आ रही है शादी के बाद, बस इसीलिए थोड़ा मोहतात हो रही हूँ। अनीला का 2 दिन से बीपी हाई था, जिसकी वजह से किरत ने उन्हें कुछ करने नहीं दिया था। लगता है आज आप मेरा बीपी हाई करवा देंगी। उसकी बात पर उन्होंने गौर से उसकी जानिब देखा तो उसके हुलिये का एहसास हुआ। तुम बस अभी से छोड़ो और जाके कपड़े चेंज करो, इस हुलिये में मिलोगी उनसे। रुबाब अनीला के कान से बात निकाल चुकी थी कि वो आज फहाम के लिए बाकायदा किरत का रिश्ता भी लाएगी। हो जाती हूँ रेडी, ये कपड़े भी तो कोई बुरे नहीं। उसने अपने ऑफ वाइट और पर्पल प्रिंटेड खद्दर के सूट को देखा। हाथ मुसलसल वॉलनट कॉफ़ी कस्टर्ड बनाने में मसरूफ़ थे। अच्छा अब इतना भी कोई कमाल नहीं, वो अपना पिंक और ऑरेंज सूट पहन लेना, मैं बेड पे रख के आई हूँ निकाल के, और बालों को सही से बांधो। आंखों पर ये ऐनक लगाने की बजाय लेंस लगा लेना। एक साथ इतने सारे हुक्मनामे सुनकर वो चकरा गई। फाइन, कस्टर्ड फ्रिज में रखते अब उसका रुख अपने कमरे की तरफ था। कुछ ही देर बाद वो अनीला की हस्ब मंशा तैयार होकर बाहर आई। अभी वो उसे ढंग से देख नहीं सकी थी कि उनके पोर्शन की बेल हुई। आ गए वो लोग, ऊपर ले आओ। चच्ची या ताई से बस सलाम दुआ करवाने के बाद सीधा ऊपर ले आना, उन्होंने उसे बाहर जाते हदायत की। वो सर हिलाती फौरन सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। इत्तफाक से रुबाब और फराज और समिया और उमर एक साथ ही आ गए थे। किरत ने उनसे मिलते साथ ही समिया की बेटी को गोद में ले लिया। उन सबको नीचे वाले मकीनों से मिलवा कर वो ऊपर ले आई। अनीला मोहब्बत से सभी से मिली। अभी वो सब बैठे ही थे कि फहाम भी आ गया। तुम खाना लगवाओ जल्दी से, दोपहर के 3 बज रहे थे। समिया की बेटी दुआ को अनीला को पकड़ा कर वो फौरन डाइनिंग में खाना लगवाने की गर्ज से बढ़ी। कुछ चीज़ें वो पहले ही सेट कर चुकी थी, एक फ्राइड राइस, फिश कबाब, चिकन जलफरी और वाइट सॉस चिकन सेट करके वो सबको बुलाने आई। खुशगवार माहौल में सभी ने खाना खाया। बहुत ही मज़े का खाना है, बहुत ही मज़े का है सब कुछ, रुबाब ने दिल से तारीफ़ की। भाई आज तो मुझे किरत ने कुछ नहीं करने दिया, सभी इसने बनाया है, अनिला ने फौरन से वजाहत दी। फिर तो हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। खीरे का कतला मुँह में डालते फहाम ने शरारती नज़रों से उसकी जानिब देखते शोक लहजे में कहा। होंठों के किनारे पर मुस्कुराहट बाहर आने को मचल रही थी।
किरत ने आंखें सुकेड़ के उसकी जानिब देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी यही खाना खा रही हूँ। उसके जवाब पर सबका कहकहा बुलंद हुआ। भई मेरी किरत को तंग नहीं करें सब। रुबाब ने भी फहाम की हरकत पर बमुश्किल मुस्कुराहट छुपाते साथ बैठी किरत को अपने साथ लगाया। आंटी, मेरे ख्याल से इस वक्त काफ़ी बेहतर मौका है। मैं आज आपके पास एक दरख्वास्त भी लेके आई हूँ। सबकी जानिब एक नज़र देखते उसने अनीला की जानिब रुख किया। जी जी बेटा, आप बताएं। किरत भी थोड़ा अलर्ट हुई। मेरी ख्वाहिश है कि आप किरत हमेशा के लिए हमें दे दें, मेरी भाभी बना दें इसे। रुबाब की बात पर उसे लगा उसके जिस्म का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया है। हाथ यकदम कांपे, नज़रें झुकी थीं। उस वक्त उसे सबके सामने और ख़ास तौर पर फहाम के सामने अपनी पोजीशन नहायत ऑकवर्ड लगी थी। समझ से आ रही थी कि वहीं बैठी रहे या उठ जाए, मगर ये तो तय था कि उससे अब नज़रें नहीं उठाई जाएंगी। रुबाब का ये सवाल इतना अचानक था कि वो सुन सी हो गई। बेटा मैं क्या कहूँ, उन्होंने उमर और समिया की जानिब देखा। फहाम को बचपन से देखते आए हैं और फिर तुम्हारे घर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। क्यों अम्मी, अनीला की मुश्किल समिया ने आसान की। बस फिर हमारी तरफ से तो बात पक्की समझें। कहते साथ ही रुबाब ने पास टेबल के नीचे रखा पर्स उठाकर उसमें से कुछ निकाल कर किरत की जानिब हाथ बढ़ाया। किरत ने नासमझी से हाथ आगे किया। एक खूबसूरत सा गोल्ड का ब्रेसलेट उसने किरत की कलाई की जीनत करते ही उसे साथ लिपटा के प्यार किया। बस अब आप हमें निकाह की डेट दें, हमें सीधा शादी ही करनी है। फराज के बोलने पर अनीला हक तक रह गई। इतनी जल्दी का तो उन्होंने अभी सोचा भी नहीं था। मेरा ख्याल है अगले माह की आखिरी इतवार ठीक रहेगी, उमर ने भी बड़े बहनोई होने का सबूत देते मशवरा दिया। जैसे मेरे बच्चे चाहें। अनीला ने मोहब्बत से उन सबको देखा। रुको, अनीला उठकर अंदर कमरे की जानिब बढ़ी। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत सी घड़ी उन्होंने फहाम की जानिब बढ़ाई। इस वक्त मेरे पास यही है बेटा, उनकी बात पर उसने खड़े होते उन्हें साथ लगाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बात पे उन्होंने मोहब्बत से दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर माथे पर बोसा दिया। हमेशा खुश रहो किरत, मीठा तो लेके आओ बेटा। फहाम से नज़र हटाकर उन्होंने किरत की जानिब देखा जो सर झुकाए अभी तक बेयकीन सी बैठी थी। फिर जब तक वो सब वहाँ रहे वो खुद को किचन तक महदूद कर चुकी थी। फहाम ने उसकी खामोशी को बहुत शिद्दत से महसूस किया था। बाकी सब तो शायद उसकी खामोशी को शौक और शर्म समझ रहे थे, मगर उसे उसकी खामोशी ना शर्म लग रही थी ना शौक। वो इस वक्त तन फन करती कमरे में दाखिल हुई। दिल तो कर रहा था हर लिहाज बलाए ताक रख के सफिया की बहन और उनके बेटे की खूब इज्जत अफजाई करती। उन्हें तो वो कुछ नहीं कह सकती थी, हाँ मगर एक शख्स पर अपनी भड़ास निकाल सकती थी। कुछ सोचते खुद को थोड़ा नॉर्मल करते उसने दानील का नंबर डायल किया। वो भी जैसे उसी की कॉल के इंतज़ार में बैठा था दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया। माजरत के साथ, आपकी खाला आपकी तो कुछ लगती हैं मगर मेरी वो कुछ नहीं लगती और ना ही मुझे शौक है कि वो मेरी कुछ लगें। न जाने क्यों वो कुछ ऐसे ही अंदाज का इंतज़ार कर रहा था। बहुत कुछ गड़बड़ होने का एहसास न जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी तमानियत बखेर गया। हुआ क्या है? वो इस वक्त अपनी मखसूस जगह टेरेस पर मौजूद था। हाथ में कॉफ़ी का मग था, करीब ही मसनूई कोयले जला रखे थे। कुछ नहीं, कुछ हो नहीं सका उनकी जानिब से, ये हुआ है। अरे इतने पढ़े लिखे और ब्रॉड माइंडेड होकर भी उन्हें मेरी नौकरी पे एतराज़ है, अजीब बात है। वो शुरू हो चुकी थी। अब दानील को खामोश रहकर चंद एक लुकमे देकर उसके दिल की भड़ास निकलवानी थी, या उन्हें मेरी एकेडमी ज्वाइन करने पर एतराज़ था। यही किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रही होती तो शायद वो चार बंदों में फ़ख्र से बताती कि होने वाली बहू फलां कंपनी में जॉब करती है। एक तो ये स्टेटस हमारी कौम को ले बैठा है। लो भाई, खाला के साथ साथ सारी कौम को भी रगड़ डाला। दानील ये फ़कत सोच सकता था, इस वक्त उसके सामने कह नहीं सकता था। फिर वो भी बीज मालू की तरह बैठा उसे और भड़का रहा था। फिर क्या, मैं तो तबीयत साफ़ कर आई हूँ, मगर आपके कज़न को मेरा बा एतमाद अंदाज शायद पसंद आ गया, उसने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। न जाने क्यों दूसरी जानिब शुमाइल से जलन का एहसास पैदा हुआ। फिर वो उसे मज़ीद बोलने पर उकसा रहा था। फिर क्या, मैंने तो कहा बेटा पहले अम्मा के परों से दोबारा आओ फिर अपनी सोच बताना। उसकी बात पर दूसरी जानिब उसका कहकहा बेसाख्ता था।
ज़बीन ने कान से फ़ोन हटाकर कुछ हैरत से देखा। वो तो उम्मीद कर रही थी कि वो उसे नसीहतें करेगा, कन्विंस करेगा। आप गुस्सा नहीं हुए? उसने झिझक के पूछा। देखें, यह आपकी ज़िंदगी है, अपने अच्छे बुरे को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझता, इसीलिए अगर आपको मेरी खाला और उनका बेटा पसंद नहीं तो यह आपका हक है। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि मैं महज मिलने का कह रहा हूँ, किसी भी और बात का दबाव नहीं डाल रहा। आपको वो लोग अच्छे नहीं लगे, आपने अपना हक इस्तेमाल करके इनकार कर दिया, दैट सिंपल। उसकी बात पर वो कदरे मुतमईन सी हुई। थैंक्स सर, वह यकदम उसका शुक्रिया अदा कर गई। दैट्स ओके, कुछ सोचकर उसने फिर से बात का सिलसिला जोड़ा। मुझे अच्छा लगता है आपका खुद के लिए इतना कंसर्न, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, लिहाजा शादी का फ़ैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब की बार वो कदरे संजीदा था। जी सर, वो महज यही कह सके। सिर्फ शादी ही नहीं, ज़िंदगी में मोहब्बत का फ़ैसला भी सोच समझ के करना चाहिए। उसकी अगली बात पर वो धक से रह गई। ये सफ़र आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स के लिए जो इस सफ़र में तन्हा हो। अगर कभी मोहब्बत करें तो तभी जब दूसरी जानिब से भी आपके हस्ब मंशा रिस्पॉन्स आए। अब की बार वो उसे क्या समझाना चाह रहा था, मोहब्बत सौदा थोड़ी है और ना ही ये किसी तरह की कंडीशंस पे चलती है। उसके जवाब पर दूसरी जानिब लम्हा भर को खामोशी छा गई। तो इसका मतलब है कि वो जान गया था ज़बीन को शर्मिंदगी नहीं हुई, होती भी क्यों, उसने कौन सा गुनाह किया था। ना ही उससे भीख मांगी थी कि वो भी उसकी मोहब्बत को कबूल करे, नहीं करना चाहता तो ना करे। जब इंसान को समझ आ जाए कि ये सफ़र गलत बंदे के साथ करने की ख्वाहिश है तो बेहतर है कि इस ख्वाहिश को ख़त्म करके इंसान रास्ता बदल ले। वो फिर उसे बहुत कुछ समझा रहा था, जब गलत कुछ ना लग रहा हो तो क्या किया जाए। अब की बार उसके सवाल ने उसे मुश्किल में डाल दिया। वो कैसे उसे समझाता कि वो उसकी मोहब्बत तो क्या उसके काबिल ही नहीं है। वो एक मुकम्मल लड़की है और वो अधूरा, अधूरे लोगों की कहानियाँ हमेशा अधूरी रहती हैं। उसे एक और अजियत नहीं उठानी थी, एक अजियत वो सालों पहले उठा चुका था, अब नहीं। वो माजी को दोहराना नहीं चाहता था। कल मिलते हैं, उसकी बात का उसके पास जवाब था भी और नहीं भी, मगर फ़िलहाल उसे बात यहीं पर ख़त्म करना बेहतर लगा। जब से वो वहाँ से आया था उसके दिमाग से किरत की खामोशी नहीं निकल रही थी। उसे किरत से किसी भी किस्म की धुआंधार मोहब्बत नहीं हुई थी। हाँ, मगर अपनी मासूम हरकतों की वजह से वो उसे अच्छी लगने लगी थी। न जाने उसे क्यों लगा कि सभी ने अपना फ़ैसला सुना दिया, उससे किसी ने नहीं पूछा, और यहीं आकर उसके दिल में अजीब से वसवसे उठे। अगर वो खुश ना हुई तो, और उस तो के आगे उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठाया। रात के 10 बज रहे थे। एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते बेड पर बैठकर बेड क्राउन से टेक लगाते उसने किरत का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब चौथी बेल पर उसने फ़ोन उठा लिया। खैरियत, अभी दोपहर में ही तो वो लोग गए थे, उसने कभी उसे खुद से फ़ोन किया भी नहीं था। यकीनन उसका हैरान होना बनता था। ठीक हो तुम? उसे समझ ना आई क्या कहे, फ़ोन तो कर लिया था, अब बात कैसे शुरू करे। जी मैं ठीक हूँ, अब की बार वो थोड़ा झिझक के बोली। तुम खुश हो? आखिर उसने हिम्मत करके सवाल कर ही लिया। कुछ लम्हे खामोशी रही और फिर ये खामोशी थोड़ी तवील हुई। हेलो किरत, आर यू देयर? आखिर उसे पूछना पड़ा। उसकी खामोशी गहरी हो गई थी। जी मैं सुन रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हकीकत में कंफ्यूज थी, किस बात की समझ नहीं आ रही, वो नर्म लहजे में बोला। मतलब ये सब रुबाब बज्जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो, मेरा मतलब है कि, उसे समझ ना आई कि वो कैसे पूछे कि क्या तुम इस रिश्ते से मुतमईन हो। कहाँ वो और कहाँ वो, हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है। आखिर वो जिस कशमकश का शिकार थी वो बात उसकी ज़बान पर आ ही गई। स्टॉप इट किरत, उसकी बात पर वो महज उसकी बेवकूफ़ी पर सर हिला के रह गया। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये छोटी बात नहीं है, वो आखिर झुंझलाई, और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, वो बर्जस्ता बोला। आपसे पूछा था बच्चों ने? वो फिर से हिचकिचाई। जी, उसकी जी पर वो जानता था उसका हैरानगी वाला चेहरा कैसा बना होगा। सोच कर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। मुझे अम्मी बुला रही हैं, वो तेज़ी से कहती फ़ोन रख चुकी थी। वो होली से हंसते सरनफी में हिलाते मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लगता है यूनि ख़त्म होते ही ज़िंदगी में तब्दीलियां ही तब्दीलियां आ गई हैं।
وہ تینوں اس وقت کیرت کے گھر جمع تھیں۔ کیرت نے رات میں ہی ان دونوں کو اپنی اور فہام کی بات پکی ہونے کا بتایا تھا۔ اگلے دن وہ دونوں شام میں وقت نکال کر اس کے گھر آ دھمکی۔ صحیح کہہ رہی ہو، کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ جاب کروں گی، بہت سا پیسہ کماؤں گی، اور پھر کیا ہوا، ابیا کا دکھ وہیں موجود تھا۔ ہائے، میں نے بھی کتنا سوچا ہوا تھا کہ میں ایک اچھی سی جاب کروں گی، اور دیکھو، کیرت نے بھی منہ بنا کے کہا، ناشکری ہو یار تم لوگ۔ ان لڑکیوں کو دیکھو جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور ویسے بھی تم لوگ یہ کیوں سوچتی ہو کہ شادی ہوئی تو زندگی ختم؟ ارے یار، بہت سی لڑکیاں اپنا کریئر ہی شادی کے بعد بناتی ہیں، تم لوگ کوشش جاری رکھنا۔ میرا نہیں خیال تم لوگوں کے، تم دونوں کے سسرال والے کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے۔ کیرت، تمہاری تو ایک نند ہی ہے، وہ خود جاب کرتی ہے، اور فہام بھی میرا نہیں خیال اتنا چھوٹی سوچ کا ہے کہ تمہیں منع کرے۔ زبین نے ہمیشہ کی طرح انہیں سمجھانے کی ذمہ داری اس وقت بھی اپنے سر لے لی۔ اور تم، ویسے تم انوکھا ہی پیس ہو، شادی کس سے ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں، ہونے والے میاں کا نام کیا ہے یہ بھی جاننے کا کوئی شوق نہیں۔ زبین نے ابیا کو لتاڑا، کیا، ارے پاگل ہے کیا یہ؟ کیرت بھی ابیا کے خیالات سن کر چیخ ہی تو پڑی، کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انفیکٹ مجھے جاننے کا کوئی شوق ہی نہیں، بس ٹھیک ہے ایک رشتہ بنانا ہے تو بنا رہی ہوں۔ اس کی بیزاری عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ کہتیں، انیلا چائے اور اس کے ساتھ لوازمات لے کر کیرت کے کمرے میں آئیں، جہاں وہ تینوں بیڈ پہ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ ارے آنٹی، آپ خود کیوں یہ سب لے آئیں، ہمیں آواز دے دیتی۔ زبین تیزی سے اٹھ کر ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کے بولی، ارے بھائی اتنے دنوں بعد ملی ہو، تینوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں، اب کیا تم لوگوں کو ڈسٹرب کرتی۔ وہ محبت سے ان تینوں کو دیکھ کے بولی، انہیں کیرت کی یہ دونوں دوستیں بہت پسند تھیں، اتنی عزت اور احترام دیتی تھیں کہ انہیں بہت اچھا لگتا، خیال کرنے والی اتنی اچھی بچیاں تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ غیر ہوں۔ بس اب تم دونوں نے اس کی شادی کی تیاری میرے ساتھ کروانی ہے۔ ان کی بات پر ان دونوں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اس میڈم کی بھی کچھ دنوں میں شادی ہے، کیرت نے ابیا کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ نصیب اچھا کرے، پھر تو تم سے میں گلہ نہیں کر سکتی، کہیں کیرت کی شادی کے ساتھ ساتھ تو نہیں ہے، پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ یکدم خوش اور پریشان ایک ساتھ ہوئی۔ نہیں آنٹی، میری پہلے ہے، میں یہ کارڈ بھی دینے آئی تھی، اس آپ نے بھی ضرور آنا ہے، یہ چاہے آئے نہ آئے۔ ابیا نے انہیں کارڈ پکڑاتے شرارت سے کیرت کو دیکھ کے کہا، ہاں ہاں اب تو تم یہی کہو گی، دیکھو زیبی ابھی سے یہ آنکھیں پھیر رہی ہے، بعد میں تو اس نے ہمیں پہچاننا بھی نہیں۔ کیرت بھی اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی، یہ بھول کے تو دیکھے، اس کے گھر کے آگے دھرنا ڈال دیں گے ہم۔ زبین نے بھی کیرت کا ساتھ دیا، میں ضرور آؤں گی بیٹا، فکر نہیں کرو، بس پھر کیرت کی شادی میں تو آپ اپنے میاں کے ساتھ ہی آؤ گی انشاءاللہ۔ انیلا کی بات پر اس نے عام سے انداز میں ہلکا سا مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا، چلو بھائی آپ لوگ اپنی باتیں کرو، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں۔ ان دونوں کو باری باری پیار کرتے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ وہ انیلا اور کیرت کو لینے پہنچ چکا تھا، کچھ دن پہلے ہی اس نے انیلا کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ کیرت کی دوست کی شادی ہے۔ فہام نے فوراً انہیں قائل کر لیا کہ شادی کے فنکشنز میں وہی انہیں پک اینڈ ڈراپ دے گا۔ کیرت سے اس رات کے بعد دوبارہ اس کی بات نہیں ہوئی، نہ اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی کیرت نے۔ انیلا کے بہت منع کرنے کے باوجود اس نے انہیں قائل کر کے ہی چھوڑا۔ گھر کے قریب آتے ہی اس نے انیلا کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہلکے سے کام والے گرے اور گرین کے امتزاج کے رنگوں کے کپڑے پہنے آگے انیلا تھیں، اور ان کے پیچھے اورنج، گرین اور ریڈ کے کمبینیشن میں گوٹے کے کام والا شرارہ، لانگ شرٹ اور نیٹ کے دوپٹے جس کو سر پر ٹکائے، ہلکے سے میک اپ اور ایک شال کندھوں کے گرد لپیٹے کیرت ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ انیلا کے لیے اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کیرت کے لیے کھولا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی وہ اپنی سیٹ پر آ کر کار سٹارٹ کرتے بیک ویو میرر سے پیچھے خوشبوؤں میں بسے وجود کو دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ ایسے ہی تمہیں تنگ کیا، انیلا کو ابھی تک اس کے یوں انہیں پک اینڈ ڈراپ دینے پر افسوس تھا۔ ان دونوں کے بیٹھتے ہی وہ ابھی تک افسوس تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں آنٹی، ویسے بھی اس سائٹ پر میرے کچھ فرینڈز ہوتے ہیں، ان سے عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی، اسی بہانے میری ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ رسان سے بولتا انہیں شرمندگی سے نکال لایا۔ کیرت خاموشی سے باہر بھاگتے دوڑتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اب تک اس نے جتنے بھی سفر اس کے ہمراہ کیے تھے، اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ گاڑی میں بیٹھتے ہی خاموش ہو جاتی تھی، اندر کون اس کے ساتھ بیٹھا ہے اسے غرض نہیں ہوتی تھی۔
उसकी नज़रें भटक भटक कर बैक व्यू मिरर से टकरा रही थीं और वो शान बेनियाजी से बैठी थी। कुछ ही देर में वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। ये एक मशहूर मार्की थी। जैसे ही फ्री हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, उनके उतरने से पहले वो मुखातिब हुआ। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह अजर दे। उनकी दुआ पर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उभरी। अजर तो अल्लाह दे रहा था। उनके अंदर जाने तक उसकी नज़रों ने उनका पीछा किया। उनके अंदर दाखिल होते ही वो किसी से कॉल पे बात करता गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। फंक्शन कंबाइन नहीं रखा? वो दोनों ब्राइडल रूम में पीले और हरे इम्तिजाज के शरारे सूट में बराए नाम मेकअप किए अबिया के पास बैठी हुई थी। नहीं यार, निकाह कल है तो बस किसी को ये मुनासिब नहीं लगा कि मेहंदी का फंक्शन कंबाइन करते, इसीलिए अपने अपने घर किया है। लेकिन अम्मी कह रही हैं कि शायद आंटी और मेरी दोनों नंदें कुछ देर के लिए आएं मुझे मेहंदी लगाने। उसने हाथों पर मौजूद मेहंदी को देखते बोला, जो अब खुश्क हो रही थी। भाई, तुम्हारा होने वाला मियाँ तो मिस्ट्री बन गया है, हमें तो दिखा दो। तुम तो बेजार हो। ज़बीन को शदीद तजस्सुस हो रहा था। कल ही देखना। और हाँ, अभी मेरी नंदें और सास आएंगी तो मैंने किसी को खुद को देखने नहीं देना। मेरा घूंघट निकालने का इरादा है और तुम दोनों ने मेरा पूरा साथ देना है। उसके इरादों पर उनका दिल किया अपना सर पीट लें या सामने दीवार पर टक्कर मार दें। तुम कौन सी सदी की दुल्हन हो यार, अजीब निराले शौक हैं। कहीं तुम्हारा वो इरादा तो नहीं कि एक पुरानी सदी की अम्मा से किसी ने पूछा, आपने शादी के बाद अपने मियाँ को कब देखा? उन्होंने कहा, हमारे ज़माने में मियाँ से भी घूंघट निकालते थे तो मैंने बहुत सालों बाद देखा। सवाल करने वाले ने पूछा, फिर तो आपके बच्चे भी नहीं हुए होंगे जी। अम्मा जी ने बताया कि नहीं भाई, पहली बार देखने तक मेरे 8 बच्चे हो चुके थे। उसकी बात पर उन दोनों का कहकहा बेसाख्ता था। अबिया के चेहरे पर पहली बार इस रिश्ते के हवाले से सुर्खी दौड़ी। इस कदर वाहियात जोक तुमने कहाँ से सुना? लाहौल वाला कुआ था। अबिया बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर उसे एक धप रिसीव करते बोली, जब सुना था तब मैंने भी लाहौल ही पढ़ी थी, मगर तुम्हारे लिए जहन नशीन कर लिया था। वो मुँह बना के बोली, अच्छा यार, प्लीज़ यार, इसी सीक्रेसी में ही तो चार्म है। उसकी बात पर ज़बीन और किरत ने आँखें घुमाई। कहीं सीक्रेसी के चक्कर में कल धमाका ही ना हो जाए दुल्हे मियाँ को देख के। किरत की बात पर उसने आँखें सुगड़ी। अब प्लीज़ कोई घटिया दुआ मत दे देना। खुद को तो शहजादों जैसा बंदा मिल गया है, हमारे लिए मुँह से कुछ अच्छा ही फूटना। अबिया ने उसके कुछ कहने से पहले ही हाथ जोड़े। उसके ज़बान वैसे है भी बहुत काली। ज़बीन ने भी अबिया की हाँ में हाँ मिलाई। अरे दुआ सुन तो लो। वो बज़िद थी कि वो कोई दुआ दे के ही रहेगी, हमें नहीं सुनने। अबिया ने कानों पे हाथ रख लिए। इतनी देर में रुखसाना ने इतला दी कि अबिया को मेहंदी की रस्म के लिए बाहर लेके जाना है। उसके बड़ा सा घूंघट निकालते ही उन दोनों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। दोनों से लेके बाहर आईं, सब कैमरों का रुख उनकी जानिब हो गया। वही हुआ, स्टेज पे ले जाकर उसे बिठाने के बाद जैसे ही रस्म शुरू हुई, मिनसा और जूफशा ने उसका घूंघट उठाने पर इसरार किया। अरे एक दिन की ही तो बात है, माइंड मत कीजिएगा, बस एक दिन वेट कर लें। वैसे भी हमारी दुल्हन बहुत सादा है इस वक्त, और इसका सादगी वाला रूप तो आपने देख रखा होगा, तो दुल्हन वाला रूप असल रूप कल ही देख लीजिएगा। ज़बीन ने बड़े तरीके से मामला संभाला। अरे कोई मसला नहीं, हमारी भाभी की यही खुशी है तो यूं ही सही। मिनसा ने ज़्यादा इसरार करना मुनासिब ना समझा। अफसोस, आपकी होने वाली बेगम की कोई तस्वीर हम ला नहीं सके। जूशा सोफे पर आयदून के साथ बैठी अपने मोबाइल से अबिया लोगों की जानिब होने वाली मेहंदी की तस्वीर दिखाते हुए बोली, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, इसमें क्या टेंशन है। उस लम्हे उसने खुद को पूरी तरह ला ताल्लुक जाहिर करने की कोशिश की, मगर कहीं उसे देखने की ख्वाहिश ज़रूर जागी थी। तस्वीर में मौजूद दो लड़कियों को देखकर वो हल्का सा चौंका। ये दोनों चेहरे कुछ देखे हुए लग रहे थे, मगर कहाँ देखे थे ये समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों कौन हैं? हर तस्वीर में उन दोनों को अबिया के हमरा देख कर वो चौंका था। बस इतना हुआ था कि वो अपनी होने वाली बेगम के नाम से वाकिफ हो गया था। ये अबिया भाभी की फ्रेंड्स हैं, ये ज़बीन हैं और ये किरत। जूफशा ने उन दोनों का तारुफ करवाया, मगर उसे सही से याद नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। महज सर हिलाया, हाय भाई, कहीं दोस्तों पर तो दिल नहीं आ गया? आयदून ने उसके मजाक पर खशमगी नज़रों से उसे देखा। तुम कुछ ज़्यादा भी अम्मा नहीं बन गई हो, थोड़ी छोटी और ढंग की बातें किया करो। उसके पास से उठते वह बाहर की जानिब बढ़ा, जहाँ उसके दोस्त उसकी दुर्गत बनाने के लिए तैयार बैठे थे। बाकी सब भी अबिया के घर से वापस आकर उसके साथ मेहंदी की रस्म अदा कर चुके थे।
ज़्यादा लोग नहीं थे, चंद एक रिश्तेदार थे, कुछ उनके घर ही ठहरे हुए थे, बाकी सब उसके दोस्त थे जिन्होंने आज रात कमरा भी डेकोरेट करना था। मतलब तुम लोगों ने आज की रात मुझे चैन से सोने नहीं देना। वो कुछ देर पहले ही शावर लेकर कमरे में आया था जहाँ उसके दोस्त पहले से ही मौजूद कमरे की सजावट शुरू कर चुके थे। सब ने उसे उपचन और तेल में खूब अच्छी तरह नहला दिया था। शावर लिए बगैर उसका गुजारा नहीं था। कल सो लेना ना तुम अच्छी तरह, आज के बाद तुमने मिलना ही कहाँ है हमें। वजाहत फूलों के बुके सेट करते हुए बोला, कल भी पहुँच जाओगे तुम सारे, जान कहाँ छोड़ोगे इतनी जल्दी। फहद को देखते वह जान कर चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, देख लो बेटा, इसके अभी से इरादे नेक नहीं, लगता है कल हमें धक्के दे के निकालेगा। हमने तो कल रात बॉनफायर का इंतज़ाम किया हुआ है। उनके इरादे सुनकर वह भवें सुकेटता सबको घूरने लगा जिनके चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट थी। कल रात के बाद मैंने इस मुल्क से तो नहीं चले जाना, जो फिर कभी ये प्रोग्राम नहीं बन सकता था। जानता था कोई और बात करेगा तो मज़ीद उसकी क्लास लगा देंगे, मगर इसके बावजूद उसका सड़ा हुआ जवाब उन सबको उसकी हालत से हिस्स उठाने पर मजबूर कर गया। आपकी कितनी सहेलियां हैं आखिर? वो आज फिर अकेडमी से जल्दी छुट्टी लेके निकल रही थी जब दानील ने उसे ऑफिस में ही रोका। दो और हैं और एक आप भी हैं। उसकी बात पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ओह अच्छा, मैं अभी तक खुद को आपका दोस्त तसव्वुर कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था मुझ में ज़नाना क्वालिटीज़ भी हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाए, थोड़ी के नीचे रखे, दोनों कोहनियाँ मेज पे जमाए, रिवॉल्विंग चेयर को दाएं बाएं घुमाता, आंखों में मुस्कुराहट लिए वो उसे देख रहा था जिसके होंठों के किनारों पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। अब सोच लें, दो और सहेलियों की शादियों पर भी छुट्टियाँ लेनी पड़ेंगी, वो हनूज शरारती अंदाज में बोली। एक की तो आप भूल ही जाएं। उसके बाद पर दानील के चेहरे पर एक साया सा लहराया। शादी से याद आया, शुमाइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है खाला को आपके लिए मनाने के लिए। इससे पहले कि वह कोई नासिहाना बात करती उसने बात का रुख ही मोड़ दिया। खबरदार जो अब वो लोग मेरे घर तक आए, मैं आपको बता रही हूँ मैं खुदकुशी कर लूँगी, और वो भी अकेडमी की छत से, और ख़त लिख के इस दुनिया से जाऊँगी जिसमें लिखा होगा कि मेरी खुदकुशी की वजह आपका भेजा ये रिश्ता था। उसके बाद पर अब की बार वो अपना कह कहा जपना कर सका। बहुत फिल्मी सी नहीं हैं आप, मुस्कुराहट बमुश्किल रोक कर वो भवें उचकाते बोला। तो क्या करूं, सच में आपने ना कहा होता तो कभी ये रिश्ता घर ही नहीं आता। बस ये आपकी और सफिया आंटी की वजह से मैं उनके सामने चली गई। उस चूज़े को समझा दीजिएगा मुझे संभालना उसके बस का काम नहीं। अपनी कुर्सी से उठते हुए वो गोया उसे तंबीह करते बोली, तो फिर किस किस्म के बंदे का काम है? रवानी में वो जो सवाल कर गया था वो उसे यकीनन नहीं करना चाहिए था, जिसका अंदाज़ा ज़बीन की आंखों के बदलते रंग से उसे हुआ था। एक ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिश के लिए डट जाए, दुनिया से टकरा जाए। ज़रूरी नहीं होता अधूरे लोग अपने इरादों में भी डगमगा जाएं। मैंने बहुत मजबूत अक्सर अधूरे लोगों को ही देखा है। उसके चंद जुमले दानील की पूरी हस्ती को हिला के रख गए। आप जानती हैं आप अपने साथ बहुत गलत कर रही हैं। वो जो अपनी बात कहकर वहाँ से निकल रही थी, अपनी पुश्त पर आने वाली उसकी हर दर्जे संजीदा आवाज़ पर चंद लम्हे वहीं खड़ी रह गई, फिर यकदम मुड़ी। और आप अपने साथ बहुत ठीक कर रहे हैं? उसे अंदाज़ा नहीं था वो यूं उस पर सवाल उठाएगी। बात आपकी हो रही है, पेपर वेट को हाथ में लिए वो कसदन उससे नज़रें चुरा रहा था। देखा जाए तो बात हम दोनों की ही हो रही है। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी मैं लेट हो रही हूँ। वो जल्दी से बात समेटती अब की बार तेज़ी से बाहर निकली। वो काफ़ी दिनों बाद आज अपनी पसंदीदा बुक शॉप पर आया था, क्योंकि आज ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था। रुबाब तो घर पे होती नहीं थी, इसीलिए वीरान घर जाने का उसका दिल नहीं करता था, बस इसीलिए बुक शॉप पर आ गया था। रात में किरत को उसकी दोस्त की शादी में भी लेके जाना था, उसे मोहब्बत नहीं हुई थी। हाँ मगर ये सोच कि कोई उसके लिए इस दुनिया में है, ये सोच ही उसके अंदर एक खुशगुन एहसास पैदा कर देती थी। किरत को बुक्स पसंद थी, बस यही सोचकर वो यहाँ आ गया था। जहन में यही था कि कोई अच्छा सा नावल वो अपने लिए और एक किरत के लिए लेगा। उसे खुद तो इंग्लिश नावल्स पसंद थे, मगर किरत के घर में वो काफ़ी दफ़ा उर्दू नावल्स देख चुका था। अभी वो बुक रैक के पास खड़ा अपने लिए नावल का इंतखाब कर रहा था कि पास से किसी की स्टिक की आवाज़ आई। यकदम चेहरा मोड़ कर अपने पीछे मौजूद शख्स को देखा जिसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो भी मुंह मोड़े दूसरी जानिब कोई किताब ढूंढने में मसरूफ़ था। उस अजनबी पर जिस शख्स का शायबा उसे महसूस हुआ था वो इस कदर जोर आवर था कि वो उसे पुकारने में एक लम्हे की देर न कर सका।
एक्सक्यूज़ मी, उसकी पुकार पर वो शख्स भी लम्हा भर को थमा था। आवाज़ ऐसी न थी जिसे वो उन चंद सालों में पहचान ना सकता। हिम्मत करते मुड़ा, दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह गए। दानील, हमेशा की तरह उसने आगे बढ़ने में पहल की, वरना आज भी वो ना करता तो दानील भी कभी पहल ना करता, और वो अमूमन कभी पहल करता भी नहीं था। फहाम उस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, बगैर झिझके वो उसके गले लग चुका था। दानील भी शौक से बाहर आते उसके गिर्द अपने बाजू बांध चुका था। किसी ज़माने में वो दोनों एक जान दो कालिब होते थे, कब कब न याद आया था वो, मगर वो आखिरी मुलाकात इतनी तल्ख थी कि फहाम का उससे मुंह मोड़ लेना बनता था। और वो तो था ही नफ़रतों का मारा, खौफ सदा हमेशा पहल करने में देर कर देता था, वक्त गुजार देता था, रिश्तों से महरूम हो जाता था। तुम बाहर से कब आए, उससे अलग होते वो भी चेहरे पर गर्म जोशी लिए बोला, कहीं चल के बैठे अगर फ्री हो तो। फहाम की बात पर उसने हौले से सर हिलाया। दोनों बाहर की जानी बढ़े। कौन सी किताबें और कहाँ की किताबें, दोनों को इस लम्हे कुछ याद नहीं था, बस याद था तो अपनी वो लाजवाल दोस्ती। पास ही एक रेस्टोरेंट था, दोनों उसी की जानी बढ़े। 4 साल गुजर गए हैं, दानील की हसरत भरी आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर उसके वजीह चेहरे को देखा। और तू इन 4 सालों में और भी हैंडसम हो गया है, उसकी बेसाख्ता तारीफ पर उसका कहकहा भी उसी कदर बेसाख्ता था। और तू और भी सड़ू हो गया है, वो भी उसे चोट करने से बाज नहीं आया। तुम तारीफ पर आए तारीफ भी कर सकते थे, वो भमें उचका के बोला। मैं जानता हूँ तुझे झूठ पसंद नहीं, वो चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट सजा के बोला जो हमेशा से उनके चेहरे पर एक दूसरे की मौजूदगी में रहती थी। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, फहाम के सवाल पर उसने कंधे उचकाए। दोनों एक खाली टेबल देखकर आमने सामने बैठ चुके थे। बस गुजर रही है, उसके बाद पर फहाम ने गहरी नज़रों से उसकी जानिब देखा। और तुम बताओ, शादीवादी कर ली, उसकी तवज्जो खुद से हटाने के लिए उसने भी सवाल किया। नहीं, होने वाली है चंद दिनों में, और तुझे अब तो लाजमी आना है, उसकी बात पर लम्हा भर के लिए एक तारीख साया उसके चेहरे पर लहराया। जिस खौफ से उसने फहाम से मिलना छोड़ा था, तो क्या वो फिर से उसे जकड़ने वाला था। मुबारक हो, उसके खुशी से जगमगाते चेहरे से नज़रें हटाकर मेन्यू कार्ड पर जमाई ऑर्डर करने के लिए। नाम नहीं पूछोगे, वो अब भी गहरी निगाहों से देखते कुछ अजीब से लहजे में उससे मुखातिब हुआ। मुनासिब समझते हो तो बता दो। एक पल के लिए उसकी नज़रें मेन्यू कार्ड पर थमी, फिर खुद को लापरवाह जाहिर करते उसने जवाब दिया, किरत नाम है। उसके जवाब पर फहाम की तवक्को के ऐन मुताबिक उसने झटके से सर उठा के उसे देखा। मेरी बचपन की स्कूल फेलो, छोटी है मुझसे, फैमिली टर्म्स भी समझ लो। उसकी अम्मी ने हम दोनों बहन भाइयों का बहुत साथ दिया है, राबी को वो बहुत पसंद थी तो बस उसी से शादी हो रही है, उसकी हैरान आंखों में देखते उसने तफसील से बताया। तुम खुश हो, उसके सवाल पर फहाम के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखकर दानील मबहूत रह गया। तो क्या वो 4 साल से वाकई बदगुमान था। हाँ खुश हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा मुतमइन हूँ, अच्छी है किरत, वो सच्चाई से बताने लगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, उसके टेबल पर धरे हाथ पर अपना हाथ रखते वो मोहब्बत से बोला। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि तूने आंटी और अंकल की मिसाल को लेकर इस रिश्ते की हकीकत से इनकार नहीं किया, वो भी साफ गोई से बोला। यार, शादी तो बहुत मुकद्दस रिश्ता है, इसकी अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। हाँ, मैंने उनकी ज़िंदगी से अगर कोई सबक सीखा है तो वो यही कि कैसे आप इतने बदलिहाज हो जाते हैं कि वो शख्स जिसे आप अपनी खलवत का साथी बनाते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ मोहब्बत और अपना आप शेयर करते हैं, आप कैसे उसके ज़ात पे कीचड़ उछाल सकते हैं, आप कैसे उसे इतनी नफ़रत कर सकते हैं कि उसकी ज़ात से पैदा होने वाली औलाद को आप ओन ही ना करें। दोनों ने हमें गलती समझा, क्या नफ़रत में आप किसी को अपने इतने नज़दीक आने दे सकते हैं कि वो आपके वजूद पर तसल्लुत जमा ले। हरगिज़ नहीं, वो दोनों नाबालिग तो नहीं थे, दोनों ने मोहब्बत की सो कॉल्ड शादी की थी, मोहब्बत में औलाद गलती तो नहीं होती। वो हमेशा की तरह उसके सामने अपने माँ बाप के नफ़रत भरे रिश्ते को लेकर जज्बाती हो गया। खैर, मैंने उनकी ज़िंदगी से एक सबक ज़रूर सीखा है, अगर कभी मेरी बीवी को लगा कि अब हम इकट्ठे नहीं चल सकते तो मैं उससे ये ज़रूर कहूँगा कि अलग भी होना तो इतने ग्रेस से कि तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा मुझे गलती ना लगे, मेरी खलवत में गुजरे लम्हों को गलती ना समझना, अच्छे नोट पर भी तो अलग हुआ जा सकता है। उसकी बात पर दानील ने बेइख्तियार उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी।
राबी की शादी हो गई है। वो जानता था वो जब तक मौजू नहीं बदलेगा वो इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकलेगा। उसके सामने वो वही 11-12 साल का बच्चा बन जाता था जिसके माँ बाप एक दूसरे से अलग होते, अपनी औलाद को भी ऑन करने से इंकारी हो गए और उन्हें उनके नाना की झोली में डाल के अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। हाँ, कुछ दिन पहले ही हुई है, उसने सर हिलाते बताया। और तुम? अब उसने बातों का रुख उसकी जानिब मोड़ा। बस एकेडमी चला रहा हूँ। उसकी बात पर दानील ने उसे अपनी एकेडमी की तफसील बताई। ये एकेडमी तेरी है, बड़ी तारीफ सुनी है उसकी। वो हैरान हुआ। बस देख ले, बाहर से आकर बस इसी काम में मसरूफ हो गया। उसकी बात पर फहाम ने सर हिलाया। दोनों कॉलेज के दौर के फ्रेंड्स थे। दानील तो मास्टर्स के लिए बाहर चला गया और वो यहीं रह गया। और शादी? शादी कहाँ है? फहाम की बात पर उसने कोई जवाब देने के बजाय वेटर को आवाज़ देकर ऑर्डर दिया। फहाम इस तमाम अरसे में खामोश मगर गहरी नज़रों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा। कुछ पूछा था मैंने? उसने हमेशा की तरह फहाम को अपनी खामोशी से जिज किया। कहीं नहीं है, वो संजीदगी से टेबल की सतह को देखते हुए बोला। कोई लड़की आ चुकी है क्या ज़िंदगी में? उसके अंदाजे पर उसने हैरत से नज़रें उठा के उसे देखा मगर मुँह से कुछ न बोला। तू मूव ऑन क्यों नहीं कर लेता? वो जैसे चिढ़ गया। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, दानील ने हर लफ्ज़ पे जोर दिया। तो ज़िंदगी में आने वाले खुशगवार झोंके को अंदर आने का रास्ता दे, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। शादी कहाँ पर है? कोई कार्ड वार्ड देगा या ऐसे ही मुँह उठा के आ जाऊँ? वो आज भी खुद को खौल में बंद कर लेता था। फहाम ने पुरतासुफ नज़रों से उसे देखा और फिर उसके बाद उसने दानील से इस मौजू पर कोई और बात नहीं की। वो जो अबिया की बारात के लिए तैयार हो रही थी एकदम अपने मोबाइल पर मतवातिर अननोन नंबर की कॉल आने वाली कॉल को देखकर हैरान सी हुई। पहले 2-3 बार उसने मुसलसल बेल बजने दी, मोबाइल को दी, खामोश हो गया, मगर ये सिलसिला उसे रुकता नज़र नहीं आया। वो अननोन नंबर्स का फ़ोन कभी नहीं उठाती थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने से हटते वो बेड के साइड टेबल पर रखे मोबाइल की जानिब आई। इस वक्त मुंगिया रंग की वेलवेट की जदीद तराश की ट्राउज़र और लॉन्ग शर्ट पर दुपट्टा एक जानिब डाले, बालों का जूड़ा बनाए, हल्की सी नेचुरल लिपस्टिक लगाए वो तैयार थी। मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। आप ज़बीन बात कर रही हैं? दूसरी जानिब कोई मर्द था। सलाम के बाद अगले जुमले पर उसका माथा ठिनका। जी, आप कौन? उसने आवाज़ नहीं पहचानी थी। मैं शुमाइल बात कर रहा हूँ। उसकी बात पर यकदम उसके जहन में झमाका हुआ मगर अनजान बनी रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम शुमाइल नहीं, ना ही इस नाम की किसी ऐसी सेलिब्रिटी को मैं जानती हूँ। उसके अंदाज पर वो पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसका यही तो मुकाबले के छक्के छुड़ाने वाला अंदाज उसे भाग गया था। कुछ दिन पहले मेरा रिश्ता आया था आपके लिए, मैं खुद भी आया था। अब की बार उसने तफसीली तारुफ़ करवाया। मेरा ख्याल है आपकी वालदा ने खुद इनकार भी कर दिया था, तो फिर आज कॉल करने की वजह? वो संजीदगी से बोली। वो उनका फ़ैसला था, मेरा नहीं। वो अपनी बात पर जोर दे के बोला, तो मेरा इस सबसे क्या कंसर्न है? उसके रूखे जवाब पर अब की बार वो थोड़ा संभला। मैं साफ सीधी बात करूंगा, उसने वक्फा दिया। मुझे आप पसंद हैं और मैं आप जैसी ही लड़की से शादी करना चाहता हूं। मैंने दानील से भी ये बात की है, मुझे नहीं मालूम उसने अब तक मेरी ये फीलिंग्स आप तक पहुंचाई हैं कि नहीं। और बहुत इसरार पर उसी से आपका नंबर भी लिया है। शुमाइल की बाकी बातों को तो वो शायद इग्नोर कर देती, मगर अब इस आखिरी बात के बाद वो उन सब बातों को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकती थी। चाहता क्या था ये शख्स? जब उसे मालूम हो चुका था कि वो उसे पसंद करती है, पसंद तो शायद गलत लफ्ज़ हो, हाँ वो उससे मोहब्बत करती थी, फिर भी वो किसी और को उसके नंबर देता फिर रहा था। किसी और की पसंदीदगी सुनने के बाद बजाय उसका मुंह तोड़ने के वो पैगाम रसा बन रहा था। अव्वल तो सर ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, वैसे मैं भी उन तक आपके बारे में अपने ख्यालात पहुंचा चुकी हूं, शायद उन्होंने भी वो आप तक पहुंचाने की जहमत गवारा नहीं की। वो अब सीधी तरह इस शख्स की तबीयत साफ़ करना चाहती थी, लिहाजा अपने मखसूस अंदाज में शुरू हो चुकी थी। क्या वाकई? ये जाने बगैर कि वो ख्यालात क्या हैं, वो तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो कहीं का शहजादा है कि बस उसी के इंतज़ार में तो ज़बीन अब तक बैठी हुई थी। जी बिल्कुल, मुझे आप जैसे बुजदिल मर्द पसंद नहीं जो मम्मी की गोद से बाहर ना निकलते हों। माँ बाप का मकाम अपनी जगह, मगर औलाद को इतना हक देना चाहिए कि जहाँ माँ बाप गलत हों उनकी तसीह की जाए। वो भी इंसान ही होते हैं जो गलती के मुर्तकिब हो सकते हैं। आपकी मदर ने मेरी जॉब पर ऐसे इजहार किया जैसे मैं जॉब नहीं करती भीख मांगती हूँ, कि वो अपने सर्कल में मुझे कैसे मुतारफ कराएंगी। मैं बहुत चेहरा शनास तो नहीं, मगर मुझे इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया था कि आप उन मर्दों में से हैं
जो माँ के इशारे पर चलते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, जहाँ आपकी मम्मी की ख्वाहिश है आप वहीं शादी करें, क्योंकि मेरी तरफ से आपको हर बार इनकार ही मिलेगा। मैं कम अज़ कम इतनी बहादुर ज़रूर हूँ जो गलत और सही को बबांगे दहल कहने में कोई आर महसूस नहीं करती, और मेरे घर वालों में से किसी को इतना हक मैंने नहीं दिया कि वो मेरे गलत को मुझे सही कह के पेश करें। उम्मीद है आपको तफसीली जवाब मिल गया होगा, आइंदा मुझे कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा, वरना इस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालने में मुझे कतन शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अपनी बात पूरी होते ही उसने कॉल काट दी। एक गहरा सांस लेते वक्त देखा, अभी दनील की तबीयत साफ़ करने का टाइम नहीं था। ये काम उसने वापसी के लिए उठा रखा था। बेड से अपना बैग उठाते, ड्रेसिंग के करीब मौजूद सैंडल्स पहनते वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं ना, प्लीज़ अम्मा आप तैयार हो जाएं। सुबह से अनीला का बीपी हाई था, इस वक्त भी वो दवाई खाकर लेटी हुई थी। किरत को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज वो अबिया की बारात में नहीं जा सकेंगी। उसे फहाम के साथ अकेले जाते अजीब तरह की झिझक महसूस हो रही थी। यूं तो वो कुछ नहीं कहता था, मगर जिन नज़रों से वो देखता था वही अंदर तक हलचल मचा देती थी। अब ये सोच सोच के वो हलकान हो रही थी कि 20-25 मिनट का सफ़र उसके हमरा अकेली कैसे करेगी। बेटा मेरी वाकई तबीयत नहीं ठीक, ऐसे ही वहाँ ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो वो सब भी परेशान हो जाएंगे। वैसे भी तुम कौन सा अकेली जा रही हो, फहाम तुम्हें छोड़ देगा, मुझे भी तसल्ली है वरना परेशानी होती। वो नकाहत सदा आवाज़ में बोली, आंखें हल्की सी वा करके उसके सजे रूप को देखकर माशाल्लाह बोला। बॉटल ग्रीन और मस्टर्ड जदीद तराश खराश की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र के हमरा दुपट्टा सेट किए हल्के से मेकअप में भी वो बे इंतहा प्यारी लग रही थी। बालों को जूड़े की शक्ल दे रखी थी। उसी का आइडिया था कि वो और ज़बीन ग्रीन कलर के ड्रेस पहनेंगी और साथ में जूड़ा बनाएंगी। देखो हॉर्न की आवाज़ आ गई है, जाओ खैर से। अभी वो कश्मकश में ही थी कि बाहर से फहाम के हॉर्न की आवाज़ आई। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ समिया ने कहा था कि तुम्हारे जाते ही वो मुस्ना को भेज देगी, वो यहीं रहेगी तुम्हारे आने तक। उन्होंने देवरानी की बेटी का जिक्र किया। ठीक है, मैं चची को बता देती हूँ कि जा रही हूँ, वो मुस्ना को भेज दें। उनके करीब आते माथे पर प्यार करते वो बाहर निकल गई। कुछ ही लम्हों में वो उसके हमरा गाड़ी में फ्रंट सीट पर मौजूद थी। उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जिन नज़रों से फहाम ने उसे देखा, उन्हीं नज़रों से वो घबरा रही थी। खामोशी से वो हर बार की तरह बाहर देखने में मसरूफ़ थी। गाड़ी में बैठकर गाड़ी में मौजूद लोगों से बात करने में कोई मसला होता है क्या? यकदम उसके पूछे जाने वाले सवाल पर वो हैरान सी एक नज़र उसकी जानिब देखकर फिर से सामने की तरफ देखने लगी। मतलब उसे वाकई उसकी बात समझ नहीं आई थी। मैंने जब भी तुम्हारे साथ सफ़र किया है तुम कभी गाड़ी में मौजूद लोगों से बात नहीं करती। उसकी बात समझ आने पर वह होले से मुस्कुराई। नहीं ऐसा नहीं है, असल में अकेले कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब जाना शुरू किया तो समिया बज्जो कहती थी दूसरों से बातें करने की बजाय रास्तों को गौर से देखा करो ताकि अकेले आते जाते तुम्हें हर रास्ता याद हो। कभी रिक्शा या टैक्सी पर सफ़र करना पड़े तो कोई तुम्हें गुमराह ना कर सके। बस इसीलिए तब से ऐसी आदत बनी है कि जब जब सफ़र करती हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा रास्तों पर होता है। वह आसान से उसे वजह बताने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स तुम बात मानने वाली अच्छी बच्ची हो। उसके यूं बच्ची कहने पर उसके माथे पर बल पड़े। बच्ची नहीं हूँ मैं, वो भी इख्तियार कह गई। ये जाने बिना कि उसकी बात पर मुकाबिल के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। बच्ची तो खैर नहीं हो, उसके जो मायनी बात पर अब की बार वो खामोश ही रही। आंटी की तबीयत कैसी है अब? अनीला उसे फ़ोन करके बता चुकी थी। बेहतर है लेकिन थकावट का सोचते नहीं आई। उसकी बात पर उसने होले से सर हिलाया। उसी असना में मार्की भी आ गई। जिस लम्हे निकाह नामा उसके सामने आया उस पर मौजूद नाम पढ़कर वह चंद लम्हे तो शौक में चली गई। एक ऐसा इत्तफाक था कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में उसी नाम का शख्स लिखा था। किरत और ज़बीन के आने के बाद बारात पहुँची थी, वो दोनों फ़िलहाल उसके पास ही ब्राइडल रूम में मौजूद थी। निकाह के वक्त वो दोनों उसके पास ही बैठी थी। जब मौलवी के मुंह से बोला जाने वाला नाम सुनकर उन दोनों में भी नज़रों का तबादला हुआ। कबूल है कहते उसने कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर साइन कर दिए। मौलवी साहब और चंद और बुज़ुर्ग मर्दों के जाते ही वो थमे आंसुओं को गालों पर फिसलने से रोक नहीं पाई। बेवकूफ़ मेकअप ख़राब हो जाएगा सारा, ज़बीन ने अपने आंसुओं को रोकते उसे लताड़ा। तीनों उदास थीं। मैम आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी, इनका कपल शूट होना है। वो दोनों उसको समझाने में मसरूफ़ थीं जिस वक्त फ़ोटोग्राफ़र अंदर आया।
चलो आंटी को मुबारकबाद दे के आएँ। वो दोनों सर हिलाती बाहर जाने के लिए निकली। जब अंदर दाखिल होते आई दून से उनकी मुद भेड़ हुई। सामने दुल्हे के रूप में मौजूद उसी आयदून को देखकर वो दोनों गोया सकते में चली गईं। अस्सलाम वालेकुम, उन दोनों का साकित होना वो महसूस कर चुका था। अचंभे से उन्हें देखते उसी ने सलाम में पहल की। उन दोनों को अबिया की दोस्तों की हैसियत से वो कल ही जान चुका था। वालेकुम सलाम, मुबारक हो। ज़बीन पहले होश में आती तेज़ी से बोलती अबिया का हाथ थाम कर वहाँ से निकलती चली गई। वो किरत का हाथ थाम कर वहाँ से निकलती चली गई। वो उनके अंदाज़ पर उलझा। सर प्लीज़ ज़रा जल्दी, फोटोग्राफ़र ने उसे दरवाजे पर ही खड़ा देखकर आवाज़ लगाई। जी, वो सर झटक कर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम अंदर रखे सामने मौजूद अप्सरा को देखकर उसे किसी की मुशाबहत साफ महसूस हुई। क्या वो लड़की अब तक उसके तखयल में मौजूद थी कि अपनी बीवी को देख कर उसे उस पर उस पॉइंट वाली का गुमान हो रहा था। सर झटक कर वो उसके करीब गया। अबिया की धड़कनें तो पहले ही अपने शौहर की मौजूदगी का अपने करीब सोच कर मुंतशिर हो रही थी। मैम आप प्लीज़ खड़ी हो जाइए। वो उलझा सा उसके करीब खड़ा था। जिस लम्हे फोटोग्राफ़र के कहने पर उसने अबिया की जानिब फिर से देखा। अभी तक उसने नज़र उठाकर आयदून को नहीं देखा था। उसे इधर उधर कोई सहारा ढूँढते देख कर उसने लम्हा भर का तौकफ किए बिना अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने की। अपने चेहरे के पास मर्दाना हथेली फैले देखकर वो लम्हा भर को थमी। नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा और ये देखना ही गोया कयामत साबित हुआ था। आयदून के रूप में पॉइंट वाले को देखकर वो पलके नहीं झपका सकी थी और उसकी साकित नज़रों ने आयदून के सब सवालों का जवाब दे दिया था। उसकी नज़रें भी साकित हो गई थीं। उसके सामने फैली हथेली यकदम बंद होकर वापस हो गई थी। सर प्लीज़ मैम को उठने में मदद दें ताकि शूट जल्दी मुकम्मल हो। आप तो जानते हैं हॉल्स का वक्त मखसूस होता है। फोटोग्राफ़र की आवाज़ उन दोनों को हाल में वापस ले आई थी। मौके की नज़ाकत समझते उसे नाचार अपनी हथेली वापस उसके सामने फैलानी पड़ी, जिसे कपकपाते हाथों से वो थाम गई। वो जज्बात जो उस कमरे तक आने से पहले आयदून के थे वो कहीं जा सोए थे। सपाट चेहरे के साथ वो मजबूरी में शूट करवा रहा था और उसकी कुर्बत में वो जो हवास बाख्ता हो रही थी। अभी शौक से वो बाहर नहीं आ सकी थी कि उसे शौहर के तौर पर ख़ुद को हाथ लगाते अपने नज़दीक देखते उसके रहे सहे आसान भी ख़ता हो रहे थे। मुख्तलिफ पोज बनवाते वो जब उसे थामता उसके जिस्म की कपकपाहट उसे वाजिया महसूस होती, मगर ये शर्म और झिझक उसके जज्बात में हलचल मचाने के बजाय उन्हें सर्द करने का सबब बन रहे थे। जैसे ही शूट ख़त्म हुआ दोनों को ऐसा लगा जैसे कैद से रिहाई मिली हो। वो तेज़ी से ब्राइडल रूम से बाहर निकला। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल।